अब हम ओम का उच्चारण हमने कर लिया। अब हम एक जी बार पिछले हफ्ते की पुनरावृत्ति कर लेते हैं। जी आ गए मेरे ख्याल से राम जी आए कि अच्छा मंजरी जी आई हैं, तो इस बार एक नया प्रतिभागी आ गया है हमारे साथ। मंजरी जी नमस्ते, नमो नमः, सर्वेशन नमो नमः। नमस्ते सर नमो नमः मंजरी जी। जी, नमस्ते। आपने इस कक्षा का पिछला चलचित्र संरक्षण देख लिया है? सर थोड़ा सा ग्रेस थ्रू कर लिया था। हाँ ठीक है, तो क्योंकि हमने अभी अभी अपना ओम का उच्चारण समाप्त किया है, 4 बजे हम कक्षा शुरू कर देते हैं, तो हमारा ओम का उच्चारण हो चुका है। अगली कक्षा से यदि आप बिल्कुल 4 बजे आ जाएंगी तो ओम का उच्चारण हम लोग सब मिलके करते हैं हमेशा। बिल्कुल सर, अगले टाइम टाइम पे आ जाऊंगी, थोड़ा काम पे थी। हाँ, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ ये है कि सब साथ में, मतलब ओम का उच्चारण जो है अभी हो चुका है, तो इसलिए मैंने पूछा कि यदि आपने कोई पहले का वीडियो देखा है तो आपको पता चल जाएगा कि हम शुरू में पहले ओम उच्चारण करते हैं 1 मिनट के लिए, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। जी, और ओम का उच्चारण जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, तो उसको जितना अधिक, अभी कक्षा के लिए तो हम 1 मिनट के लिए करते हैं, पर उससे एक सीख जैसी मिल जाती है कि हम बाद में भी जब चाहें घर पे बाहर जहां भी हो मन में एक ओम चलता रह सकता है। वो बहुत शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, क्योंकि उससे हमारी जो ऊर्जाएं हैं वो नीचे से ऊपर अपने आप बहती हैं, मूलाधार चक्र की तरफ से आज्ञा चक्र की तरफ। लेकिन जी आचार्य, ये जो हमने ओम का जो उच्चारण है, कभी हाँ, भी घर में हो या कहीं पर हो, अपना बैठ के करना चाहिए या खड़े होकर भी कोई भी कर सकता है, कुछ किसी अलग में? ओम वैसे आप कैसे भी कर सकते हैं, बैठ के करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि तब शरीर उस समय बिल्कुल, जैसे बोलते हैं ना, एक सम स्थिति में रहता है कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है बिल्कुल सीधी है, आपको पता है कि वो सीधा है, पर आप चलते फिरते घूमते फिरते कुछ काम करते करते भी कर सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है, ओम कभी भी नुकसान नहीं करेगा। और ये जो बैठने का प्रणाली है, ये क्या पद्मासन होना चाहिए या कहीं पर भी कोई आसन में बैठ सकते? तो ये फिर से वैसे ही प्रश्न है कि यदि यदि पद्मासन है तो जी अच्छा है, और अच्छा है, क्योंकि जी पद्मासन के खुद के अपने फायदे हैं, अपने लाभ हैं, पर आप ओम का उच्चारण एक नॉर्मल जो हम सादा आलती पालती मार के बैठते हैं, जिसको हम सुखासन भी कहते हैं, सुखासन में आराम से कर सकते हैं, जी तो अलग से पद्मासन करना आवश्यक है ऐसा कुछ नहीं है, पर कर जी सकें तो और अच्छा है, मतलब उसका दुगुना लाभ हो जाएगा। जी ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं, और आपके लिए ये पुनरावृत्ति होगी और मंजरी जी के लिए ये नया होगा, तो हम, क्योंकि हम सबको सम्मिलित करके चलते हैं, तो देखते हैं मंजरी जी भी आराम से ये कर पाएंगी, मुझे लगता है बहुत आराम से कर लेंगी, क्योंकि कुछ हम, ज्यादा तो नहीं है, 2 दिन का है, थोड़ा थोड़ा हो जाएगा, 10 मिनट में हो जाएगा। हाँ, क्योंकि हम वैसी चीजें ही करते हैं जो दिनचर्या में दैनिक उपयोग की होती हैं, तो थोड़ा थोड़ा उसका अनुमान हमको पहले से होता है, सिर्फ इतना है कि हम उसका हर दिन उपयोग करने लगे तो उसकी हमको आदत भी पड़ जाएगी। अभी हम नहीं करते शायद उतना उपयोग संस्कृत का हर दिन, तो इसलिए धीरे धीरे आदत डालने में कुछ समय, 1-2 हफ्ते लग सकते हैं, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। चलिए तो हम शुरू करते हैं, 1 मिनट। हम तो मंजरी जी, आपको भी मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? जी सर, दिख रहा है। ठीक है, अब मैं जब भी कभी ये आगे पूछूंगा तो मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ ऊपर, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मम जवनिका,
जीवनिका अर्थात पर्दा या स्क्रीन। तो अब कंप्यूटर की भाषा में जीवनिका जो है हमारा स्क्रीन हो जाता है, नहीं तो हम घर के जो है जैसे पर्दे होते हैं घर में खिड़की पे दरवाजे पे, उनको भी जीवनिका कहते हैं। जीवनिका इवन जैसे स्टेज के कार्यक्रम होते हैं ना जहाँ पे पर्दा गिरता है और पर्दा उठता है, वो भी जीवनिका कहा जाता है, उसको भी जीवनिका कहते हैं। तो मैं ऐसा पूछा करूंगा, मम जीवनिका पश्यसि वा, वा जहां भी लगाया वो प्रश्न हो जाता है, अपने आप प्रश्न बन जाता है। तो पश्यसि मतलब पश्य मतलब देखना, और सी जो है वो एक उसका हम मध्यम पुरुष में उपयोग कर रहे हैं इसलिए पश्यसि लगा हुआ है। तो मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मेरी जवनिका आपको दिख रही है क्या, मम जवनिका पश्यसि वा। तो आप उत्तर दे सकती हैं आम मतलब हाँ, या फिर आप न जवनिका न पश्यामि, यदि नहीं दिख रही है तो न और दिख रही है तो आम, दोनों चलेगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे किस तरह से हमको उत्तर देना है, किस तरह से अपनी बात बतानी है, यह अभी मैं बीच बीच में और भी बताता रहूंगा, पर ये अभी अभी इसलिए बता दिया क्योंकि ये हर कक्षा के प्रारंभ में आरंभ में हम पक्का कर लेते हैं कि आपको जवनिका दिख रही है। ठीक है, तो अब हम अपना परिचय से प्रारंभ करते हैं जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है बीच में, और अकेले लिखने का काम नहीं है। यदि आप कागज पेन या पेंसिल कुछ लेके बैठी हैं वो सबसे अच्छा होगा, तो साथ में लिखते जा सकते हैं और मुझे बता दीजिए यदि आपको लिखने के लिए एक आध मिनट और अतिरिक्त समय चाहिए तो मैं रुक जाऊंगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है। पर अभी हम मुख्य काम यह है कि हम बोल बोल के सीखें, हम बोल बोल के एक दूसरे से बात करके सीखें। तो आप लोग भी अपना यदि वीडियो चला सकते हैं तो अच्छा होगा। मैंने अभी अभी अपना वीडियो चालू किया है और अभी मैं बाहर से आया हूँ, जंगल लगा के आया हूँ, तो अभी मैं बाहर के पहनावे में हूँ। नहीं तो अधिकतर मैं कक्षा के समय कुर्ता पजामा या धोती कुर्ता इस तरह की चीजें पहनता हूँ। अरे ज्योति जी भी आ गई हैं, नमो नमः ज्योति जी। नमो नमः सर। आचार्य बोलना पड़ेगा, सर नहीं चलेगा। हाँ, आज का मेरा पहला क्लास है तो मुझे माफ कर दीजिए। माफ करने के लिए भी क्षम्यताम बोलना पड़ेगा, माफ भी नहीं चलेगा। आचार्य ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ये आपको मम जवनिकायाम पश्यसि वा क्षमस्व या क्षम्यताम दिख रहा है आपको यहाँ पे? हाँ जी। हाँ, तो जब भी क्षमा करें या एक्सक्यूज में इस तरह से आप हमको कहना है। मान लीजिए हम कक्षा में देर से आए या हम कक्षा से जल्दी जाना चाहते हैं तो इस शब्द का उपयोग आराम से किया जा सकता है जी। क्षम्यताम अहम गच्छामि, तो माफ करें मैं अब जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो समझ में आ जाएगा बाकी लोगों को भी जी। ठीक है, तो अब हम मंजरी जी ज्योति जी आप लोग भी वीडियो चालू कर सकते हैं यदि आप सहज हैं। यदि सहजता में मुश्किल है तो मत कीजिए, ऐसा कोई मजबूरी नहीं है। सिर्फ एक दूसरे को देख लेते हैं तो हमारा जो ये बात करने वाला जो सत्र होता है उसमें और आनंद आता है, मजा आता है। अभी आप लोगों को मैं नजर आ रहा हूँ कि नहीं? जी जी बढ़िया, तो मैं तो दिख रहा हूँ। चलिए एक तो दिख रहा है कोई, चलिए मंजरी जी भी नजर आ गई। मंजरी जी थोड़ी डोल रही है, आड़ी टेढ़ी ऐसी ऐसी। कैमरा एडजस्ट कर रही हूँ सर। हाँ हाँ बिल्कुल कर लीजिए। तो अब चलिए प्रश्न उत्तर का माम जबने का पश्यसि। हाँ, तव मुखम भवतः मुखम पश्यामि। भवतः पृष्ठतः नीलवर्णम
नीलवर्णम अस्ति। हाँ नीलवर्णम अस्ति। आम चलिए तो हम शुरू करते हैं। मम नाम अंशु, भवत्याः नाम किम्? मंजरी महोदया। जी तो जिस तरह से मैंने पहले अपना नाम बताया उसी तरह से आप अपना बता सकती हैं। जैसे मैंने कहा मम नाम अंशु, भवत्याः नाम किम्? तो भवत्याः यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी दिख रहा है मेरी जवनिका पे। भवत्याः का अर्थ है आपका। भवत्याः जो है स्त्रीलिंग में है, उसी का पुल्लिंग में यदि बोलना है तो आप भवतः बोल सकती हैं। तो किससे बात कर रहे हैं उसके हिसाब से आप भवतः या भवत्याः बोल सकती हैं। तो आप अगला किसी को भी चुन लीजिए, पहले इसका उत्तर दे दीजिए जो मैंने आपको पूछा कि भवत्याः नाम किम्, और मैंने अपना नाम कैसे बताया वो आपको समझ में आ गया। तो आप अपना नाम बिल्कुल आराम से बता सकती हैं। मम नाम अंशु, भवत्याः नाम किम मंजरी महोदया? मम नाम मंजरी, भवतः नाम किम? किससे पूछ रही हैं उनको बस एक बार नाम ले लीजिए ताकि उनको पता चल जाए, क्योंकि अपन चार पांच लोग हैं ना। मिश्रा जी बोल सकती हैं आप, यदि मिश्रा जी से पूछ रही हैं पूछ। मम नाम दुखी श्यामः, भवत्यं नाम किं ज्योति महोदया? एक बार फिर से मिश्रा जी प्रश्न फिर से पूछिए। मम भवत्याः नाम किं ज्योति महोदया? उत्तमम्। मम नाम ज्योति, भवत्याः नाम किं? डॉक्टर मंजरी जी, और जब बाकी लोग खत्म हो जाए तो आप लोग मुझसे अंत में मेरे ऊपर डाल सकते हैं, मतलब अंतिम प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मंजरी जी से प्रश्न पूछा गया है। मंजरी जी मम नाम मंजिरी, भवतः नाम किम? अंशु जी, मम नाम अंशु, अहम् संस्कृतम् पठामि। मैंने कहाँ पे लिखा है, पिछली बार हमने स्क्रीन पे कहीं लिखा था ना? भवत किम करोमि हाँ कराम। इधर है। मम नाम अंशु, जो मैंने मंजरी जी के प्रश्न का उत्तर दिया, उनने जैसे ही पूछा कि भवतः नाम किम, मैंने बोला मम नाम अंशु, अहम् पठामि संस्कृतम्। भवान किम करोति मिश्रा जी, मिश्रा महोदय? अहम् पठामि संस्कृतम्, अहम् लिखामि संस्कृतम्, अहम् वदामि संस्कृतम्। भवती किं करोति, किं करोति मंजरी महोदया? अहम् पठामि संस्कृतम्, अहम् लिखामि संस्कृतम्, अहम् वदामि संस्कृतम्। भवत्याः उत्तमम्। किं करोति ज्योतिषी? हाँ तो अब अहम् देखिए यहाँ पठामि। पे एक एक सेकंड के लिए रुकिए ज्योति जी, हम पहले प्रश्न सही देखते हैं। तो मंजरी जी एक बार प्रश्न फिर से पूछिए जो अभी अभी आपने पूछा। भवत्याः किं करोति ज्योतिषी? हाँ तो अब देखो भवत्याहा जब हमने बोला तो अब हम पिछले प्रश्न पे एक बार आ जाते हैं। भवत्याहा का अर्थ क्या था? भवत्याहा या भवतः, जो ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है, इसका अर्थ है आपका। ठीक है, ये सम्मान के साथ हम बोल रहे हैं आपका, क्योंकि भवतः नाम किम या भवत्याहा नाम किम बोला है हमने। ठीक है, तो ये है आपका। तो जब हम ये पूछना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो किम करोति में क्या कर रहे हैं तो आ गया, लेकिन अब हमको यहाँ पे बोलना है आप क्या कर रहे हैं, हमको आपका नहीं बोलना है ना। भवती ठीक है, तो यहाँ पे जो उपयोग होगा भवती या भवान, तो भवती जो है स्त्रीलिंग है भवान और भवान जो है पुल्लिंग है। तो भवत्याहा ना किम करोति की जगह आपको बोलना पड़ेगा भवती किम करोति, यदि आप ज्योति जी से पूछ रही हैं।
और यदि मिश्रा जी से या मुझसे पूछ रहे तो भवान आप उपयोग करेंगी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के हिसाब से। चलिए तो आप प्रश्न कीजिए फिर से। मैं हाँ आपका ही प्रश्न फिर से। भवती किम करोति ज्योति जी। अहम पठामि संस्कृतम्। अहम लिखामि संस्कृतम्। अहम वदामि संस्कृतम्। वदामि बिल्कुल साफ साफ बोलना है। वदामि वदामि नहीं हो सकता। अहम वदामि संस्कृतम्। हाँ उत्तमम उत्तमम। चलिए भवती किम करोति मंजरी जी। अहम पठामि संस्कृतम्। अहम लिखामि संस्कृतम्। अहम वदामि संस्कृतम्। गच्छामि विद्यालय। भवान किम करोति अंशु जी। मिश्रा जी से पूछ लिया क्या इस बार? मुझे लग रहा है इस राउंड में मिश्रा जी छूट गए। मिश्रा जी नहीं मैं बोल दिया भाई। भवान किम करोति मिश्रा जी। अहम पठामि संस्कृतम्। अहम लिखामि संस्कृतम्। अहम गच्छामि विद्यालय। उत्तमम उत्तमम। तो अभी जब भी हमको ऐसा कुछ बोलना है कि अरे बहुत बढ़िया तो हम उत्तमम कभी भी कह सकते हैं। तो आपने कहा हम गच्छामि विद्यालयम्। इसको भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब एक एक पृष्ठ पे कभी कभी थोड़ी ज्यादा खिचड़ी जैसी हो जाती है, पर जैसे जैसे हम सीख रहे हैं ऐसा संभव है। हम अपने घर पे भी यदि कभी कुछ सीख रहे होते हैं तो ऐसा एक ही पृष्ठ पे बहुत सारी चीजें लिख लेते हैं तो चलता है, पर यदि ज्यादा खिचड़ी हो जाए तो आप मुझे बता दीजिए, मैं पृष्ठ कभी भी बदल सकता हूँ। ये तो कंप्यूटर पे है, इसमें कोई कागज भी नहीं बर्बाद हो रहा। ठीक है, तो अब ये चीज हमको समझने की है, ये जो हमने ऊपर भी लिखा हुआ है यहाँ पे कि आप, जब हमको आप का उपयोग करना है तो वो है भवान या भवती। ये सबको समझ गया ठीक है। और जब आपका बोलना है तब भवतः और भवत्याः, तो ये दोनों पुल्लिंग वाले हैं और भवती भवत्याः ये स्त्रीलिंग वाले हैं। तो जिससे भी हम बात कर रहे हैं उसके हिसाब से हम इन दोनों में से जो चाहे उपयोग कर सकते हैं। अब भवान भवती और भवतः भवत्याः, इनका उपयोग करने का लाभ ये है कि क्योंकि ये सम्मानजनक शब्द हैं चारों के चारों, तो आप चाहे किसी छोटे से, किसी बराबर वाले से या किसी बड़े से, किसी से भी बात कर रहा हूँ, इनका उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि आप वाला जो संबोधन है हम किसी के भी साथ उपयोग कर सकते हैं, छोटा बड़ा उसमें कोई अंतर नहीं है। तो ये ज्यादा सुरक्षित है उपयोग करना है। और क्योंकि हम भाषा, नई भाषा सीख रहे हैं, और सिर्फ भाषा नहीं, संस्कृत तो हमारी संस्कृति है, तो इसमें बहुत सारी चीजें धीरे धीरे ऐसी भी निकल के आएंगी जो हमारे जीवन के और जगहों पे भी काम में आती हैं। तो ये समझ में आ जाए तो अच्छा है, लाभ होगा। भवान भवती भवतः भवत्याः। और इसी श्रृंखला में यदि आप यहाँ पे देखेंगे, ये बीच में मैंने लिखा है, तो आप और आपका जो है ये तो हम मध्यम पुरुष की बात कर रहे हैं जब हम सामने वाले से बात कर रहे हैं। जब मैं खुद के बारे में बता रहा हूं तब हम बोलते हैं अहम। यदि मुझे मैं बोलना है, जैसे अभी आप लोगों ने उत्तर दिए कि अहम पठामि संस्कृतम्, अहम लिखामि संस्कृतम्, वदामि संस्कृतम्, तो अहम हमने लगाया जो कि मैं है, अहम मतलब मैं। और आपको पिछला प्रश्न याद होगा जब हमने पूछा कि मम नाम अंशु या मम नाम मंजरी या मम नाम ज्योति मिश्रा जी, तो मम मतलब क्या? मम मतलब मेरा। तो ये वाली जो पंक्ति लिखी है जिसमें आपका, मेरा, तुम्हारा, ये वाले जो कौन सी चीज किसकी है ये बताने वाले जो शब्द हैं, हम उनको सबको एक साथ देख रहे हैं ताकि आपको अंतर समझ में आ जाएगा। और हम इन चारों का उपयोग कर चुके हैं, अभी उपयोग कर चुके हैं। तो मम का अर्थ है मेरा और अहम अर्थ है मैं। ये आपने शायद स्कूल में जिन्होंने भी संस्कृत पढ़ी होगी उन्होंने पढ़ा होगा, तो हो सकता है कि किसी किसी को वो सब याद भी होगा, तो अच्छी बात है। तो हम इधर
इन चीजों से शुरुआत कर रहे हैं। और शुरुआत इसलिए भी क्योंकि भले ही हमको आदत नहीं है अभी संस्कृत बोलने की, पर हम कक्षा में ऐसी ऐसी बातें करेंगे जो हम तुरंत के तुरंत अपने घर पे या मित्रों से किसी पे फोन पे बात कर रहे हैं, कोई सामने आपके माता पिता भाई बहन बच्चे कोई भी हो, घर पे हो चाहे बाहर हो, आप उनसे ये बातें तुरंत कर सकते हैं। मतलब इसके लिए आपको अलग से कुछ बहुत ज्यादा भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे बता सकते हैं कि अहम पठामि संस्कृतम्, भवान किम करोति या भवती किम करोति, किसी से भी पूछ सकते हैं। और फिर वो उत्सुकता में पूछेगा कि अरे ये क्या है, इसका क्या अर्थ है, तो फिर आप उसको समझा सकते हैं और उनको भी सिखा सकते हैं। तो इसलिए हम ऐसी कॉन्वर्जेशनल संस्कृत, जो बोलचाल की संस्कृत है, हम उससे शुरू करते हैं और उसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो धीरे धीरे जब हम व्याकरण भी, व्याकरण के भी अलग अलग पहलू सीखेंगे संस्कृत में, तो वो आवश्यकता के अनुसार, तो जैसे जैसे हमको आवश्यकता पड़ेगी वैसे वैसे हम व्याकरण भी लाते जाएंगे बीच बीच में। ठीक है, तो ये अहम और मम, ये दोनों में अंतर भी आपको समझ में आ गया। अहम मतलब मैं और मम मतलब मेरा। और इसी तरह ये अंत में जो, एक मिनट, अहम का मैं यहाँ पे लिख भी पुरुष भी लिख देता हूँ। अहम मतलब उत्तम पुरुष, इसको हम उत्तम पुरुष कहते हैं। और त्वम मतलब तुम, या तव मतलब तुम्हारा। तो ये जो है ये इनफॉर्मल है, मतलब जब हम कोई बराबर वाले से या अपने किसी छोटे से बात कर रहे हो तब हम तव या त्वम का उपयोग कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि अभी उपयोग ना करें, क्योंकि ये भवान भवती और भवतः भवत्या जो है वो ज्यादा सुरक्षित हैं। तो जब हमको तुम बोलना है तो हम तुम की जगह आप बोलेंगे, जिसमें भवान और भवती आ जाएगा। और जब हमको तुम्हारा का उपयोग करना है तो उसमें भवतः भवत्याः का हम ज्यादा अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। पर फिर भी ये शब्द जानने आवश्यक इसलिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लिखे तो मिल ही जाएंगे, कहीं ना कहीं काम आ सकते हैं, कहीं हो सकता है कोई और आपसे त्वम या तव उपयोग करके बात करे, तो पता होना आवश्यक है, पता होना अच्छी बात है। तो त्वम का अर्थ है तुम, तव तुम्हारा है, और ये भी मध्यम पुरुष है। तो अभी हमने प्रथम पुरुष देखा ही नहीं इन तीनों में। प्रथम पुरुष जो है हम 1 मिनट में यहाँ पे नीचे देखेंगे, और हम राम 1 मिनट एक नया पृष्ठ भी बना लेते हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आवश्यकता पड़ेगी नए पृष्ठ की। कंप्यूटर पे पढ़ने में यह आसान है कि जितने पृष्ठ चाहिए एक एक मिनट में बना सकते हैं। कागज बर्बाद हो रहा है ऐसा नहीं लगता। हाँ, तो ये पृष्ठ एक बना हुआ है। तो हमने मध्यम पुरुष देख लिया। मध्यम में हमने 2 बार देखा, क्योंकि एक तो तुम्हारा वाला उपयोग है और दूसरा आपका वाला उपयोग है। तो दोनों सामने वाले से ही हम बात कर रहे हैं तभी उपयोग होता है, इसलिए वो दोनों के दोनों मध्यम पुरुष हैं। सिर्फ ये वाले में सम्मान के साथ है, भवान भवती और भवतः भवत्याह में। और त्वम तव जो है वो असम्मान तो नहीं है पर बिना सम्मान के है। उसमें ऐसा नहीं है कि सम्मान कम हो रहा है, पर वो हम बड़ों से तब या तो हम नहीं बात कर सकते। और ये तो हमारी अपनी भाषाओं में भी है, यदि आप घर पे हिंदी बोलते हैं या मराठी बोलते हैं या जो भी भाषा घर में बोलते हैं, हम बड़ों से कभी तुम करके तो बात नहीं करते। और वही संस्कृत में भी हो रहा है यहाँ पे कि त्वम और तव जो है हम बड़ों से नहीं बोलेंगे, इसलिए वो बराबर वालों से या फिर छोटे से उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं एक बार प्रथम पुरुष भी बता देता हूँ, फिर कुछ चीजें जो हमारी पिछले पृष्ठ पे छूट गई हैं या हमने पहले भी कवर उनको देखा है तो उन पे आएंगे। तो प्रथम पुरुष जो है वो है सह या सा। तो सह है पुल्लिंग, सा है स्त्रीलिंग,
मतलब वह, दोनों का अर्थ वही है, वह या वो जो हम कहते हैं हिंदी में। ही और शी। ठीक है, इसमें एक और नपुंसक लिंग भी होता है। नपुंसक लिंग को हम, एक मिनट यहाँ थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा क्योंकि वहां तो यहाँ पे तो नपुंसक लिंग के लिए हम क्या उपयोग कर सकते हैं, वह या वो बताने के लिए। जैसे ही और शी लड़का या लड़की के लिए बोल सकते हैं, वैसी दैट इंग्लिश में यदि आप सोचे तो दैट, और हिंदी में तो वो वह ही रहेगा, वह या वो, तो वो तो एक ही है। तो नपुंसक लिंग में हम संस्कृत में कहते हैं तत्। और मैं बीच बीच में आपको वैसी चीजें भी बताता जाऊंगा जिससे आप उसका संबंध बना सके, मतलब आपको लगेगा कि अरे ये तो सुना हुआ है, तो अब समझ में आएगा कि अच्छा इसमें ये शब्द क्यों उपयोग हो रहा है। तो आपने ये सुना है, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, ये सुना है आपने, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, किसी ना किसी ने तो पक्का सुना होगा ये। मैंने सुना है। हाँ, उपनिषद क्लास में भी बताया ना। हाँ, तो मैं ब्रह्म हूँ और वही तुम हो। तो अब देखिए यहाँ पे तत् का भी उपयोग आ गया, अहम का भी उपयोग आ गया, त्वम भी है यहाँ पे। तो अब आपको समझ में आएगा कि अहम जो है ये मैं है, ये तो आपको पहले से ध्यान में आता है। तत् जो है वो या वह, वह ही तुम हो, त्वम तो अस्मि जो है ये मैं खुद, जब मैं बोल रहा हूं तब अस्मि लगता है, तो मैं ब्रह्म हूं, तो ये अस्मि जो है हूं है। और जब उसी का उपयोग तुम्हारे लिए या सामने वाले के लिए हो रहा है तब वो असि हो जाता है, क्योंकि तुम हो बोलना है, तब मैं हूं नहीं बोलूंगा, तब मैं हो बोलूंगा, तुम हो। तो ये जो असि है वो है हो। तो और उसका जो अंतर है वो हम थोड़ी देर में समझेंगे, अभी मैंने अभी के लिए वो वाक्य पूरा समझने के लिए ये लिख दिया वहां पे कि मैं ब्रह्म हूं और वही तुम हो, वह तुम भी हो। तो अब आप ये संबंध बना पा रहे हैं क्योंकि ये तत् का जो उपयोग है अभी हमने यह कि यही सामने ही कर लिया इस वाक्य में। अब हम पीछे चलते हैं, जो यदि बीच में कोई भी प्रश्न है तो आप आराम से पूछ सकते हैं, इससे जुड़ा हुआ हो तो भी चलेगा, इससे नहीं जुड़ा हुआ हो तो भी चलेगा, प्रश्न कोई गलत नहीं होता, पर उसका उत्तर मैं कब दूंगा वो मैं निर्णय करूंगा। ठीक है, प्रश्न आप कुछ भी कीजिए, उसकी चिंता मत कीजिए। संस्कृत से तत् क्योंकि नपुंसक लिंग है, क्योंकि तत्त्वमसि मींस तुम वही हो, तत् वह तो पुल्लिंग हो गया ना, या फिर थर्ड पर्सन हो गया। तो वही मतलब क्या, वही कौन, किसकी बात कर रहे हैं हम? तत्त्वमसि में भी तत् यूज किया है, वो थोड़ी ना नपुंसक लिंग यूज किया है, वो तो थर्ड पार्टी को यूज किया है, तुम भी वही हो। तो वही मतलब क्या, तुम क्या हो, हम, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो हम बोल रहे हैं कि वही तुम हो, तो ये जो वही है वो क्या है, कौन सी चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं? वो तो ब्रह्म के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आप भी वही ब्रह्म हो। हाँ, तो ब्रह्म जो है वो न पुल्लिंग है न स्त्रीलिंग है, इसलिए वो ब्रह्म का उपयोग भी वह की तरह हुआ है कि वही अच्छा। तुम हो, तो हम बोल रहे हैं कि ब्रह्म
मैं ब्रह्म हूं और तुम भी ब्रह्म हो, तो ब्रह्म जो है वो तत् है, क्योंकि ब्रह्म को हम अलग से कोई पुल्लिंग या स्त्रीलिंग नहीं दे रहे। तो जैसे हमको कभी पूछना है ना कि वो क्या है, तो इसके लिए भी सबसे आसान होता है कि हम सीधे ही पूछ लें तत् किम। अभी जैसे हमने प्रश्न नाम पूछने में किम का उपयोग किया था ना, किम का अर्थ है क्या, व्हाट। तो तत् किम पूछना सबसे सरल है, क्योंकि जब आपको ये नहीं पता कि जिस चीज के बारे में आप पूछ रहे हैं वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, कि वो क्या है, आपको जैसे आम दिख, ये कोई फल दिख रहा है, कोई नया फल दिख रहा है, आपको पता नहीं कि ये क्या है, तो आप किसी से पूछ रहे हैं कि तत् किम। तो तत् पूछना आसान है, क्योंकि जब आपको लिंग नहीं पता है तो हम नपुंसक मतलब तत् का उपयोग करते हैं, और फिर उत्तर देने वाला बता सकता है कि तत् कदली फलम या जो भी फल है या जो भी चीज है उसके बारे में बता सकता है वो, कि सह वृक्ष। तो अब यदि वृक्ष है तो वृक्ष जो है संस्कृत में पुल्लिंग होता है, तो उत्तर देते समय वो बोल सकता है कि सह वृक्ष, क्योंकि उसको उसका लिंग पता है। लेकिन पूछने के समय हमको यदि नहीं पता है तो तत् किम बोलना सबसे आसान है, ये बहुत आसानी से उपयोग करने वाला प्रश्न है कि वो क्या है। तो अब समझे आप वहां पे तत् क्यों है। और किसी का कोई प्रश्न इससे पहले हम पीछे जाएं? और खैर ऐसा नहीं है कि आप ये आखिरी समय प्रश्न पूछने का, जब चाहे पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए मिश्रा। अच्छा जैसे जैसे हुआ त्वम और तब, मम और अहम, तो सौ सा में क्या होगा, जो मेरा जो होता है ना, मैं जो अहम, मम हो गया मेरा, अहम हो गया मैं, उस तरह जो मध्यम पुरुष में सौ और सा हो गया, ही और सी, तुम हो गया, तुम्हारा, तुम्हारा को संस्कृत में क्या होगा। तुम्हारा तो हमने यहाँ पे कर लिया ना, तब ये पिछले प्रश्न पे जो हमने तुम्हारा किया था वो तब है, तब नहीं सर। अच्छा मेरा प्रश्न ये है, उत्तम पुरुष में हमने मम में हुआ मेरा, अहम में, हाँ तो मध्यम पुरुष में, हाँ मध्यम में त्वम और तब हो गया, या भवता हो गया, त्याह हो गया, हाँ। और प्रथम में सौ को हमने, सौ मतलब से, उसका, उसका में हम क्या बोलेंगे। अच्छा ठीक है, अच्छा प्रश्न है। तो जब हमको वह की जगह उसका बोलना है तो हम बोलेंगे तस्य। तस्य तस्य जो है ये उसका है, ठीक है। अभी तीनों कंप्लीट हो गया। हाँ नहीं, पर उसमें भी तीनों लिंग के अलग अलग हैं, तो तस्य जो मैंने आपको बताया वो पुल्लिंग के लिए है। तस्या, हाँ, तो तस्य, तस्या और तत्का एक देखना पड़ेगा मुझे, एक बार तुरंत अभी ध्यान में नहीं आ रहा। तत्का भी तस्य ही होता है। हाँ तस्य जो है पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों में काम में आएगा, और सा का जो है वो तस्या हो जाएगा। पर अब हम आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, जैसे जैसे हमको आवश्यकता पड़ती है वैसे वैसे हम आएंगे, और फिर धीरे धीरे हम उस जगह पे पहुंच जाएंगे जब हम पूरे के पूरी तालिका सीखेंगे, मतलब एक एक विभक्ति। विभक्ति मतलब जैसे राम, राम शब्द, तब राम शब्द में हम राम ने, राम को, राम के द्वारा, राम के लिए, तो ये जो अंत में ये अलग अलग चीजें लग रही हैं, इन सबको उपयोग करने के लिए राम शब्द में ही अलग अलग मात्राएं या छोटी मोटी चीजें लग जाती हैं, जिससे वो उसको एक्सप्रेस कर सकता है, जैसे रामह, रामम, रामेण, तो ये अलग अलग उसी शब्द के फॉर्म्स हैं, उसी शब्द के अलग अलग रूप हैं,
तो फिर हम पूरी की पूरी तालिका भी सीखेंगे धीरे धीरे हम जैसे आएंगे। अभी उतनी आवश्यकता नहीं है क्योंकि अभी जिन चीजों को बोलने के लिए हमको तुरंत आवश्यकता है हम वो सीख रहे हैं। तो जैसे आपको लगा कि तस्य बोलना आवश्यक है तो हमने तुरंत सीख लिया कि हम उसका या मेरा या तुम्हारा ये कैसे बोलें, तो यहाँ पे आ गया। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि तस्य यवनिका या मम यवनिका, तो आपको समझ में आ गया कि मेरा स्क्रीन या मेरे पर्दे पे क्या दिख रहा है। वैसे तस्य यवनिका मतलब उसका स्क्रीन, या भवतः यवनिका तो आपका स्क्रीन, इस तरह से उपयोग। तस्या भवत्या हाँ, भवतः या भवत्याः, और उसी तरह तस्य तस्या का उपयोग हो जाएगा। तो अब हम एक बार पीछे चलते हैं। हमने यहाँ पे कुछ कुछ चीजें पिछली बार की थी जिसका पुनरावलोकन करना अच्छा है। कहीं कहीं पे जैसे हम हिंदी में जी का उपयोग करते हैं, जैसे बोलते हैं ना अंशु जी, मंजिरी जी, ज्योति जी, तो ये जो जी है उसी को संस्कृत में जब हम बोलेंगे तो महोदय महोदया चलता है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, मान्यवर और मान्य भी चलता है। तो आपको जो ध्यान में आए या जो आपको उपयोग करना अच्छा लगे, अलग अलग समय पे आप इनमें से कोई भी उपयोग कर सकते हैं। श्रीमान भी उपयोग होता है, श्रीमान श्रीमती। और श्रीमती का हमेशा ऐसा अर्थ नहीं होता श्रीमान या श्रीमती का कि किसी का विवाह हो गया हो तभी उपयोग करेंगे। हम जब छोटे थे तो हमको ऐसे ही बताया था कि श्रीमती मतलब जिसका जिसकी जिसका विवाह हो गया, पर ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। श्रीमान और श्रीमती सिर्फ एक सम्मान के लिए हम बोलते हैं, किसी को भी बोल सकते हैं। ठीक है। और जब हम कक्षा में आते हैं तो हम हमेशा करते हैं नमो नमः, आते समय भी और जाने के समय भी हम नमो नमः करते हैं। सबसे यदि कई लोग हैं कक्षा में, एक दो से ज्यादा लोग हैं, तो हम सर्वेशाम नमो नमः करते हैं फिर। अरे क्या हो रहा है, एक मिनट इसको मिटाना पड़ेगा। सर्वेषां नमो नमः मतलब सभी को नमस्कार। तो आने के समय या जाने के समय हम बिल्कुल आराम से उपयोग कर सकते हैं। उसी का एक और फॉर्म है, हम उसी का एक और रूप है जिसको आप लोगों ने देखा या सुना होगा ही, नमस्कारः भी हम करते हैं। तो अभिवादन के बहुत तरीके हैं, बहुत उपाय हैं संस्कृत में। आप शुभ दिन, शुभ संध्या, इस तरह का भी कर सकते हैं। जब हम जा रहे हैं कहीं से, अलग हो रहे हैं कहीं से, दूर हो रहे हैं, तब आप शुभ संध्या, शुभ रात्रि, शुभ दिन, उस समय क्या समय हो रहा है उसके अनुसार कर सकते हैं उपयोग। पर नमो नमः जो है वो ज्यादा अधिक स्थितियों में उपयोग हो सकता है क्योंकि उसमें दिन के समय का कोई कहीं उपयोग नहीं है। तो नमो नमः जो है ज्यादा आसानी से, ज्यादा सरलता से उपयोग हो सकता है। तो अब हमने पिछले कक्षा में ये एक शब्द लिखा था, एक प्रश्न आया था, शायद मिश्रा जी ने पूछा था कि राम जी ने, अब इस हफ्ते सप्ताह राम जी तो नहीं दिख रहे, तो शायद मिश्रा जी को याद होगा कि कुछ कुछ शब्दों में, जैसे आपने एक शब्द पूछा था नमस्कारम, तो ये नमस्कारम का क्या अर्थ है, तो प्रश्न शायद यही था, इसी से हम इस पे आए थे। तो संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें हम शब्दों का, नए नए शब्दों का आविष्कार कर सकते हैं, जब चाहे तब कर सकते हैं, जैसे हमको आवश्यकता पड़ती है हम नए शब्द उपयोग कर सकते हैं, बना सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं और फिर औरों को भी बता सकते हैं। तो जैसे हमने एक शब्द बनाया है चलचित्र संरक्षणम, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग, और इसी को आप यदि ऑडियो रिकॉर्डिंग बोलना चाहते हैं तो फिर ध्वनि संरक्षणम। तो ये शब्द हमने लगभग एक वर्ष पहले अपनी इसी कक्षा में बनाया था, और उस समय दूसरे विद्यार्थी थे,
तो हमको रिकॉर्डिंग के लिए कोई शब्द चाहिए था, क्योंकि हमने जो हर कक्षा को हम संरक्षण करते हैं अपने संगणक पे, कंप्यूटर पे, और फिर हम उसको यूट्यूब पे या किसी भी ऐसे जगह पे उसको डालते हैं, ताकि आप लोग बाद में भी देख सकें उसको, वीडियो को, चलचित्र को। नमो नमः मंजरी जी, नमस्ते। बाकी लोग भी डिस्कनेक्ट हो गए, शायद आ रहे होंगे। हाँ मिश्रा जी आ गए। नमो नमः मिश्रा जी। नमो नमः सर्वे शाम। नमो नमः। 10 सेकंड और रुकते हैं। ज्योति जी भी शायद आ रही, ज्वाइन कर रही होंगी। और पिछले हफ्ते श्री ललित जी भी आए थे ना मिश्रा जी, आपको याद होगा। ललित जी आए थे और राम, हाँ राम जी भी आए थे। राम जी भी, हाँ राम अवस्थी जी और श्री ललित जी, दोनों के दोनों थे। तो ठीक है, जो जो पहले आया है, कम से कम आप या हम जब भी बीच में अभी संपर्क करेंगे इस पूरे समय में, तो जो पहले आए हैं उनसे तो पक्का संपर्क करना है, और जो नए हैं या जो आना चाहते हैं, हम उनसे फिर से उनसे भी चर्चा कर सकते हैं कि क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है। क्योंकि संस्कृत ऐसी चीज है जो हर कोई जाने समझे तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो अभी समय वैसे भी थोड़ा ही बचा है, तो हम वापस अपनी उसी चर्चा पे चलते हैं। तो चलचित्र संरक्षणम करके हमने रिकॉर्डिंग के लिए एक शब्द नया बनाया, काफी आपस में चर्चा करने के बाद हमने ये शब्द बनाया, ताकि उसका सदुपयोग भी हो सके और जो उसका अर्थ है वही, जो हम अर्थ में उपयोग करना चाहते हैं वही अर्थ उसका समझ में आता है किसी को भी। तो तब ये वीडियो रिकॉर्डिंग्स जो हम अपने कक्षा की करते हैं, इनके लिए हमने ये शब्द उपयोग कर लिया था, और फिर अब जो है सभी लोग और भी जगह पे उपयोग करने लगे हैं इसको, चलचित्र संरक्षणम वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए और ध्वनि संरक्षणम ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए, यदि आपको ऑडियो की बात करनी है तो। ठीक है, तो अब हम फिर से आगे चलते हैं। तो अब नमस्कारम की जब बात निकली, तो नमस्कारम हम लोग किसी किसी की भाषा में ऐसा सुनते हैं, जबकि नमस्कारम असल में संस्कृत का कोई शब्द नहीं है। संस्कृत में नमस्कार होता है, ठीक है, और नमो नमः उसका एक और रूप है। लेकिन किसी किसी और भाषा में, जैसे तमिल में या तेलुगु में नमस्कारम हमने सुना है, तो वो उस भाषा में उपयोग होता है या हो सकता है। तो ठीक है, मतलब हर भाषा में अपने अपने शब्द हो सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है, और उसका अर्थ भी हमको समझ में आता है क्योंकि वो नमस्कार से निकला है। तो नमस्कार का अर्थ यदि हमको पता है तो नमस्कारम कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन हम बात ये कर रहे थे कि कोई ऐसा शब्द तब बनता है जब उस भाषा में उसकी आवश्यकता हो। तो यदि जैसे मैंने सोचा होता कि अब हम इस कंप्यूटर को क्या बोलेंगे जिस पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, तब हो सकता है यदि मुझे संगणकम ये शब्द पहले नहीं होता या पता नहीं होता, तो फिर मैं कंप्यूटरम ऐसे करके कोई शब्द बना लेता और वो चलता। मतलब हमारी भाषा में हमेशा हमेशा समृद्धि ऐसे ही आती है कि धीरे धीरे हम नए नए शब्द उसमें जोड़ते रहते हैं जैसी जैसी आवश्यकता बढ़ती है उसके अनुसार। तो अब कंप्यूटरम शब्द गलत है, हम ऐसा नहीं बोलते, पर क्योंकि संगणकम एक शब्द पहले से उसके लिए बना हुआ है, संस्कृत में बहुत समय पहले किसी ने बना लिया था,
तो अब संगणकम शब्द है और वो आपको शब्दकोश में भी मिल जाएगा, डिक्शनरीज जो होती है उनमें भी मिल जाएगा, तो इसलिए अभी नए शब्द की आवश्यकता वहां पे है नहीं, तो इसलिए हमको बनाने की आवश्यकता नहीं। तो जहां जहां पे लेकिन आवश्यकता पड़ेगी वहां हम बनाएंगे, और भाषा की समृद्धि ऐसे ही आती है धीरे धीरे, जब नए शब्द बनते रहे तभी वो भाषा जीवंत रहती है, और इसलिए आज तक संस्कृत जीवित भी है क्योंकि इसमें हमेशा नए नए शब्द बनते रहते हैं। जैसे जैसे हमारा विश्व जो है ऊंचाइयों पे चलता जाता है, नई नई तरक्कियां होती है, नए नए आविष्कार होते हैं, तो कुछ नई नई चीजें निकलती हैं जिनके नामकरण की आवश्यकता होती है, तो हम इसलिए नए नाम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो महोदय महोदया, श्रीमान श्रीमती, मान्यवर मान्य, ये आप लोगों को समझ में आ गया। पुनर्मिलामह या पुनः मिलामह, तो पुनः मिलामह इसका मूल वाक्य है, मतलब हम फिर मिलेंगे या फिर मिलते हैं। फिर मिलते हैं, और उसी को जब हम संधि करके बोलते हैं, जब ये दोनों को आप मिला देंगे तो वो पुनर्मिलामह बन जाता है। तो संधियां हम बाद में सीखेंगे, पर अभी के लिए पुनर्मिलामह या पुनः मिलामह, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं। जब आप कहीं जाने वाले हैं, किसी से अलग हो रहे हैं या दूर हो रहे हैं, तब आप बोल सकते हैं कि चलो फिर मिलते हैं। तो हम जब भी कक्षा समाप्त करते हैं तब हम ऐसे ही करते हैं कि नमो नमः, सर्वेशम नमो नमः, पुनर्मिलामह, और शुभ दिन या शुभ संध्या, जो भी आपको उस समय का समय के अनुसार जो भी बोलना है बोल सकते हैं। अब शुभ दिन और शुभ संध्या बोलना क्यों लाभकारी है, उसके बारे में भी हमने पिछली बार थोड़ी सी चर्चा की थी कि शुभ शब्द में जो भ है, ये आपको शायद किसी किसी को मालूम होगा कि भ जो है, सिर्फ भ ही नहीं, पूरी वर्णमाला में जितने वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, यदि सबको आते हैं तो अभी हम अलग से फिर से नहीं सीखेंगे, पर किसी कोई एक दिन आया जब जिसको पूरी वर्णमाला भी सीखनी होगी, जैसे हमारे गोष्ठी के समय एक प्रवीण जी आए थे जिनको वर्णमाला भी सीखनी थी, तो जब वो कभी आएंगे तो हम फिर वर्णमाला पे भी बात करेंगे। पर मैं अभी क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, जितने भी हैं सभी वर्गों में जो दूसरा व्यंजन है, क ख ग घ, तो ये जो दूसरा और चौथा पूरी की पूरी कॉलम जिसको कहते हैं, हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, ये सारे के सारे महाप्राण होते हैं। महाप्राण मतलब जिसमें आपको थोड़ी अतिरिक्त ऊर्जा लगती है शरीर में से, आप जैसे आप यदि क बोल रहे हैं तो क बोलना आसान है, पर ख में थोड़ी सी शक्ति अधिक लगती है, क्योंकि क में ही आप एक ह की ध्वनि जोड़ दीजिए तो वो ख बन जाता है। उसी तरह ग और घ में भी वही अंतर है। तो ये जो दूसरे और चौथे वाले हैं ये सारे महाप्राण हैं, और बचे हुए जो दोनों हैं, जो पहला और तीसरा होता है, वो अल्प प्राण होते हैं। तो यहाँ पे भी जैसे कुछ उदाहरण लिखें, ब जो है अल्प प्राण है, लेकिन भ, ये जो शुभ का भ है वो महाप्राण है क्योंकि उसमें अतिरिक्त शक्ति लगती है। तो इनको बोलने का लाभ क्या है, शुभ दिन या शुभ रात्रि या शुभ संध्या जब भी हम किसी से कहते हैं तो भ का उच्चारण हम बार बार करते हैं, और भ क्योंकि महाप्राण है इसलिए इससे थोड़ा सा हल्का सा एक प्राणायाम आपके श्वास में अपने आप होता है, क्योंकि आप थोड़ी अतिरिक्त ऊर्जा लगा रहे हैं अपने शरीर से, तो एक छोटा सा प्राणायाम अपने आप होता है। तो इसलिए ये शब्द बोलना बहुत लाभकारी है। यदि आप किसी से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग इस तरह की कुछ वाक्य कह रहे हैं तो उनका कोई लाभ नहीं है, मतलब उससे समझ में तो आ जाएगा कि आप किसी को, किसी का दिन अच्छा हो या शाम अच्छी हो ऐसा बोलना चाह रहे हैं, पर उस शब्द को बोलने से अपने शरीर में या किसी और के शरीर में कोई लाभ नहीं हो रहा। पर शुभ दिन या शुभ संध्या, ये वाले जो
तरह से आप यदि बोलेंगे संस्कृत में, तो भ बोलने के कारण वो लाभ जो है प्राणायाम का, वो भी हमको हर बार मिलता है जब भी हम भ का उच्चारण, या जितने भी महाप्राण अक्षर हैं या व्यंजन हैं उनका उच्चारण जब भी हम करते हैं, तो इसलिए वो बहुत ही समझना महत्वपूर्ण है और आसान भी है। एक बार समझ में आ गया तो आप दूसरों के साथ भी आप शुभ दिन या शुभ संध्या ही करेंगे, अब आप गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ये सब छोड़ सकते हैं क्योंकि इसका हमको लाभ समझ में आ गया। तो अब थोड़ा सा हम परिचय ले लेते हैं। मंजरी जी आज पहली बार कक्षा में आई हैं, तो मंजरी जी आप बताइए, आप का थोड़ा सा परिचय हम वो भी लिख लेते हैं। नमस्ते, मैं मंजरी शर पारसनीस मुंबई में रहती हूँ, फुल टाइम प्रैक्टिस करती हूँ हाई कोर्ट में एज अ लॉयर हूँ। अरे वाह, 16 साल हो गए प्रैक्टिस कर रही हूँ, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर हूँ, ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स सब हैंडल करती हूँ, और कोई डिस्ट्रिक्ट से भी आते हैं तो हाई कोर्ट में सब मैटर्स हैंडल करती हूँ। बहुत बढ़िया, मतलब रिलेटेड टू प्रॉपर्टी रीडेवलपमेंट एंड। बहुत बढ़िया, तो आप निर्दोषों को बचाती हैं और दोषियों को सजा दिलवाती हैं। मेरे क्लाइंट डीम प्रिजम्पशन माय क्लाइंट इज इनोसेंट। मुंबई में वकील, अच्छा अच्छी बात है जी। दोनों सिविल क्रिमिनल दोनों प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, हाँ मतलब अच्छा है एक दूसरे को जानना, जैसे राम जी जो है हमारे वाणिज्यिक हैं, फिर ललित जी जो है इलेक्ट्रिकल में इनकी पढ़ाई है और हिंदी के विशारद हैं, तो और मिश्रा जी जो अभी हमारे साथ में है इनका भी वाणिज्य फाइनेंसिंग से जुड़ा हुआ काम है अहमदाबाद में, तो हर किसी का क्या चल रहा है पता रहे तो और अच्छा जानकारी रहती है। मैं पीएचडी फाइनेंस में हूं और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक में उप महाप्रबंधक। लघु उद्योग अहमदाबाद में, मतलब जो हम बोलते हैं एमएसएमई या स्मॉल स्केल, एमएसएमई। हाउ इज द प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर एमएसएमई लाइक नाबार्ड फॉर एग्रीकल्चर शुड बी फॉर एमएसएमई RBI for the regulation। अच्छा अच्छा, उत्तमम उत्तमम, और जब भी हमको कुछ अच्छा लगा ऐसे बोलना है तो उत्तमम, हमने यहाँ कहीं पे लिखा भी था शायद, हाँ ये उत्तमम या अति उत्तमम, यदि आपको कुछ बहुत ही अच्छा लगा तो आप अति उत्तमम लगा लीजिए, और सिर्फ अच्छा लगा तो, और अच्छा के लिए अस्तु। हाँ अच्छा जो हम बोलते हैं ना, ठीक है ठीक है, कोई चीज किसी ने कुछ बोला और हम बोलते हैं ठीक है अच्छी बात है, तो उसके लिए अस्तु, वो हमने हाँ यहाँ पे लिखा है ये। नो प्रॉब्लम चिंता मास्तु, हाँ वो कहाँ गया, ये है चिंता मास्तु, पहला दिन किसी ने कुछ माफी मांगी या किसी से कुछ गलती हो गई और वो अपना बोल रहा है कि अरे मैंने ये गड़बड़ कर दिया, तो आप बोल सकते हैं चिंता मास्तु चिंता मास्तु। कभी कोई क्षम्यताम भी कह रहा है ना कि आई एम सॉरी या एक्सक्यूज मी, तब भी आप चिंता मास्तु कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई मुश्किल नहीं। अब मेरे ख्याल से आज का समय जो है 5 बजे के थोड़ा आगे पहुंच गया है, तो अब हम 5 मिनट बाद समाप्त कर देंगे आज की कक्षा, 5:10 पे रुक जाएंगे। 2-4 लोग और आते तो अच्छा लगता है, तो एक दो में थोड़ा सा इंटरेक्शन घट जाता है। हाँ पर जिसको ला सकते हैं आप ला सकते हैं, तो बात करके सिर्फ पकड़ के नहीं लाया जा सकता, सिर्फ यह है कि आप बता सकते हैं कि कक्षा में ये हो रहा है वो हो रहा है, तो किसी को इंटरेस्ट आएगा रुचि जागेगी मन में तो आ सकते हैं लोग, और ऐसे तो ज्वाइन करना बहुत ही सरल है, ग्रुप में आना और एक दूसरे से बातें करना मजे कर, और अब हम सब संस्कृत में बातें करते हैं तो और आनंद आता है। तो एक दिन ऐसी कक्षा का समय भी आएगा जब हम सब कुछ संस्कृत में बोल रहे होंगे, तो आपको और मतलब अपने खुद ही लगेगा कि चलो आज मैं खुद से सब कुछ संस्कृत में बोल रहा हूँ,
और अभी भी बोल सकते हैं आप पूरे टाइम, यदि कहेंगे अहम संस्कृतम वदामि, किस नाम पूछना है तो भवतः नाम किम या भवत्याः नाम किम, तो धीरे धीरे सोच सोच के आप बोल सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है, आराम से। अधुना अहमदाबाद, अधुना अहमदाबाद में बसामी। हाँ, अहम अहम अहमदाबादे बसामी। हाँ, तो अहमदाबाद नगरे आप बोलेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि कोई कोई नगर के नाम में ई उ ए आ कुछ भी हो सकता है अंत में, तो वो नाम को वैसा का वैसा ही छोड़ दीजिए। जैसे मुंबई, तो अब मुंबई को हम विभक्ति करने जाएंगे ना, तो उसकी विभक्ति थोड़ी अलग होती, क्योंकि अंत में मात्रा ई है, तो ई आ इसके हिसाब से मात्राएं बदल जाती हैं। तो सबसे आसान है अहमदाबाद नगरे, मुंबई नगरे, तो नगरे बोल दिया तो उससे समझ में आ गया कि नगर में, मुंबई नगर में या अहमदाबाद नगर में, ये समझा आपको? जी, तो अहमदाबादे बोलने की जगह अहमदाबाद नगरे बोल लीजिए, तो वो आसान पड़ेगा, क्योंकि आपको विभक्ति से आप बच जाएंगे। हम कोशिश यही कर रहे हैं ना कि हम ऐसी सरल संस्कृत सीखें जिसमें हम सरलता से किसी से भी बात कर सके और सामने वाले को भी बहुत आराम से समझ में आएगा। तो अहमदाबाद नगरे वसामी, तो मैं अहमदाबाद नगर में रहता हूँ। भवती कुत्र बसासी? हम पुणे नगरे वसामि। नहीं, मैंने भवती बोला, मंजरी मैडम को पूछा। अच्छा अच्छा मंजरी जी को। हाँ, तो मंजरी जी कुछ जी, बोली नहीं जी। मुंबई, मुंबई, हाँ मुंबई नगरे वसामि। ए फंटास्टिक, तमाम उत्तम। हाँ, तो देखिए अभी पहली कक्षा में ही धीरे धीरे हम कंफर्टेबल हो रहे हैं ना संस्कृत बोलने में, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमको समझ में आता जाएगा कि कोई बड़ी कठिन चीज नहीं है, सिर्फ एक नई भाषा है जो हमने बहुत समय से शायद उसका टच छूट गया होगा किस स्कूल के बाद से या विद्यालय के बाद से, तो अब फिर से हम उसको थोड़ा सा सूत्र सूत्र मिल जाएगा तो हो जाएगा। हाँ हाँ, बहुत सरलता से हो जाएगा। और कुछ कुछ पुस्तकें, जैसे हमने पिछली बार कुछ पुस्तकें देखी थी संस्कृत भारती की, तो उसमें एक दो शब्दकोश हैं, वो आप मंगा सकते हैं। और एक और मैंने दिखाई थी पिछली बार संस्कृतम वदतु करके, तो मैं इस बार ना नाम भी लिख दूंगा ग्रुप में। मैं पिछली बार शायद आपने, आप में से किसी ने पूछा था कि नाम भी लिख दीजिए, मैं भूल गया था, तो नाम मैं लिख दूंगा, नाम लिखामि समूह मध्य पुस्तकम नाम लिखामि। तो इदानीम पंचवादनम लिखामि होगा या लिखिष्यामि, दोनों हो सकता है अभी के लिए, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि मैं लिखता हूँ, मतलब मैं लगभग अभी के अभी करने ही वाला हूँ। हाँ, तो मैं वैसा बोल सकता हूँ, जैसे हम कभी कभी बोलते हैं कि मैं आता हूँ, जैसे अभी अभी मुझे कहीं जाके वापस आना है, तो मैं कक्षा में बोल सकता हूँ गच्छामि, क्योंकि मैं जा रहा हूँ। लेकिन ज्यादा शुद्ध आपको यदि बोलना का मन हो रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ही ज्यादा शुद्ध बोलना चाहते हैं, तब आप बोल सकते हैं कि ठीक है गमिष्यामि या आगमिष्यामि, मैं आऊंगा थोड़े देर में। पर हम इवन आपकी हिंदी में भी या मराठी में भी आपने यदि बात करेंगे, या इवन आपकी बंगला भाषा है क्या? मेरा उड़िया, उड़िया भाषा, तो कई भाषाओं में हम थोड़े देर में जो चीज करने वाले हैं उसके लिए हम अभी का ही समय उपयोग करते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ मैं जाता हूँ या जाके आता हूँ, तो उसमें अंडरस्टूड है कि मैं थोड़ी देर में जाके आऊंगा, बाद में आऊंगा, मतलब इट इज एक्चुअली फ्यूचर। पर हम बोलते समय ऐसा बोल रहे हैं कि मैं आता हूँ, मतलब इट फील्स लाइक ये अभी हो रहा है जी, राइट? तो ये चीज संस्कृत में भी है, हम जो चीज हमारी अपनी इन भाषाओं में उपयोग होती है हम उसको संस्कृत में भी उपयोग कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं बोल सकता हूँ कि लिखामि, क्योंकि मैं अभी के अभी लिखने वाला हूँ या लिख रहा हूँ, समझ लो। पर ज्यादा शुद्ध यदि मुझे बोलना है तो मैं बोलूंगा कि लिखिष्यामि, मतलब मैं थोड़ी देर बाद लिख दूंगा, ऐसा कुछ। तो आज हमारे पास एक नए
प्रतिभागी प्रकट हुए हैं परमागम ऑनर्स, और अभी हमारी कक्षा की समाप्ति का समय आ गया है। परमागम ऑनर्स, आपकी आवाज नहीं आ रही। कपिल जी, बड़े दिनों बाद नजर आ रहे हैं। ये आपके कंपनी का नाम है क्या, परमागम ऑनर्स? ज्यादा अधिकतर तो आप कपिल जी के नाम से नजर आते हैं। आज मैंने ध्यान नहीं दिया मैं किस आईडी से लॉगिन कर रहा हूँ। तो ये तो बहुत अच्छा किया कि आप आ गए, पर कक्षा अभी 5:10 के आसपास तो खत्म हो जाती है। तो चलिए, बाकी प्रतिभागियों से कम आप नाम पता चल जाएगा, मिल लेंगे, बाकियों का आपका पता चल जाएगा। बहुत दिनों से आपको देखा नहीं था, तो मैंने सोचा आज लॉगिन करके आपको कम से कम देखा जाए। अच्छा, ये दर्शन वाली विजिट है, मुझे लगा कक्षा में संस्कृत सीखने आए। तो संस्कृत का क्या होगा फिर, दर्शन तो हो गए, हमको भी आपके दर्शन होंगे। आलस्य के लिए कोई सूत्र बताइए। आलस्य के सूत्र है ईश क्रिया, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ईश क्रिया करते रहे, बस आलस्य से मुक्ति मिल जाएगी। गुरुजी आप आगे प्रस्थान कीजिए, अब मैं सिर्फ आपको सुनता हूँ। हाँ, तो आप इदानीम कक्षा समाप्तम करोमि। नमो नमः पुनर्मिलामः, शुभ दिन। शुभ दिन। नमस्कार महोदय। नमस्कार।